ये अवन उलोम विलोम कराते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सीधे बैठिए, अनुलोम विलोम। इससे 72,72,10,201 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं, 9 द्वारों पर नियंत्रण हो जाता है, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियं, पंच कर्मेन्द्रियं, अंतःकरण चतुष्टय पर अपने शरीर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर अपना नियंत्रण आ जाता है। बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस पर कंट्रोल बैलेंस, ये योग से होता है। बाकी रोग तो मिटते ही, हमने मिटाए लाखों करोड़ों लोगों के, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं हमारे पास। लय के साथ करें, रुकना नहीं है। सहजता पूर्वक करना, इसे बीपी क्यों हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे बंद हो जाते हैं, पैरालिसिस क्यों हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम, सारी एमएस, ऑटोमन डिजीज और कपाल भाती, अनुलोम विलोम एक एक दो दो घंटा करने से तो कैंसर जैसी बीमारियां क्यों हो जाती है, और ध्यान लग जाता है, शरीर इंद्रिय चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हर पल ऐसे ओम ओम का जप करते हुए अनुलोम विलोम करना, सजग होकर के, जागरूक होकर के आओ, अंतर के सब दोष मिटाओ, दुख मिटाओ, रोग मिटाओ, अब तो अपने भीतर की पूर्णता को पाओ। ओम ओम का जप, प्राणायाम का तप करते करते भगवान की शरणागति, प्रभो तेरी आत्म ज्योति सभी की जगी है, प्रभो अब तो ज्योत जलाओ, प्रभो अब तो दर्श दिखाओ, न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए, प्रभो तुझ बिन सोना सोना है ये मन, ये जीवन, ये उपवन, अब तो प्रभो अपनी शरण में ले लो। ऐसे भावपूर्ण हृदय से सहजता से प्राणायाम करना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने स्वयं पर और इस समष्टि के लाखों करोड़ों भाई बहनों पर योग का प्रयोग करके इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि उनके जीवन में कोई रोग नहीं रहता, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहती। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेते, उनके जीवन में सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सफलता,
समृद्धि ऐश्वर्य सारे संसार के बाह्य और आंतरिक सब सुख और इस समष्टि के साथ में दिव्य संबंध स्थापित हो जाते, कुछ भी उनके जीवन में अनुपलब्ध नहीं रह जाता।